रायबरेली में मनकामेश्वर मंदिर में संपन्न हुआ 151 कन्याओं का भोग। आपको बता दें कि सलोन में मां मनकामेश्वर मंदिर में 151 कन्याओं का भोग संपन्न हुआ, जिसमें नवयुवक अंबे दल के सभी कार्यकर्ताओं ने अपना कीमती वक्त दिया, जिसमें संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, अमरदीप आदि लोग मौजूद रहे। वहीं भोग लगाने के बाद सभी कन्याओं को दान दक्षिणा दिया गया। उसके बाद सभी कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट, सलोन। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में मेरा शहर मेरी समस्या स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन को लेकर नगर पालिका पलीता लगा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जनपद महोबा के स्वच्छ भारत मिशन को लेकर नगर पालिका महोबा पलीता लगाती नजर आ रही है। वहीं शासी अधिकारी एवं स्वच्छता अभियान के प्रभारी मौन है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं मुख्यमंत्री योगी जी के स्वच्छ सर्वेक्षण की योजनाओं में पलीता लगाकर गरीबों की काशी राम कॉलोनी राठ रोड महोबा में कचरा फैलाया जा रहा है, जहाँ पर मौजूदा हालत बयान कर रहे हैं। स्वच्छ महोबा सुंदर महोबा पर नगर पालिका भले ही दावा कर रही हो, लेकिन लोग गंदगी में जीने को मजबूर हैं। यहाँ भी किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं हो रही है। महोबा में नगर काशीराम कॉलोनी, शहरी कॉलोनी राठ रोड महोबा में सीवर लाइन, सीवर टेक भी गंदगी में, जलापूर्ति पंप हाउस का पानी दूषित हो रहा है, जिसके चलते गंदगी कर फैली हुई व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है। नगर पालिका परिषद में ये मुन्ना भाई कौन है जो नगर पालिका स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान कैसे दिला दिया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जहां पर स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, तो वहीं पर नगर पालिका परिषद स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर अपनी ताल ठोकती है, तो वहीं लोगों में देखा जाए तो इसके चलते काफी रोष व्याप्त। TV1 इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी के साथ रमन दीक्षित की रिपोर्ट, महोबा बुंदेलखंड। बरेली के तहसील आंवला में सुभाष चंद्र इंटर कॉलेज में भाजपा की जनसभा संबोधित हुई, जहां पर लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप का चुनाव में जीत हासिल करने के लिए डिप्टी सीएम दिनेश कुमार शर्मा स्टार प्रचारक व मुख्य अतिथि रहे। उनके स्वागत में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, चेयरमैन संजीव सक्सेना और बरेली मेयर उमेश गौतम भी मौजूद रहे। वहीं लोकसभा में आए भाजपा बिलसी विधायक पंडित आर के शर्मा ने डिप्टी सीएम का फूल मालाओं से स्वागत किया और पगड़ी बनाई। इस मौके पर दूर दराज से आए हुए सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। उन्होंने अपने संबोधन में बोलते हुए कहा कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने गठबंधन और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि गठबंधन नहीं ठगबंधन है, ठगबंधन और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि बताई और बताया कि किसी के झांसे में नहीं आए और प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करें। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सचिन कुमार शर्मा की रिपोर्ट, आंवला बरेली। सीतापुर में पति ने अपने पत्नी को उतारा मौत के घाट, जहां पर अवैध असलहे से गोली मारी। आपको बता दें कि थाना मछेरेटा क्षेत्र के हालूपुर गांव में नवविवाहिता पत्नी रूबी ने अपने ही पति पुष्कर की गोली मारकर हत्या कर दी। ससुराल से विदा होते ही अपने पति से बोलकर गई थी कि वापस आकर तुम्हें बताऊंगी। क्या पता था कि उसकी पत्नी आज ही काल बनकर मौत की नींद सुला देगी। मामला जनपद सीतापुर के थाना मछेरेटा क्षेत्र के हालूपुर गांव का है, जहां पर उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब पत्नी रूबी ने अपने ही पति पुष्कर को गोली मारकर हत्या कर दी। बताते चलें कि जून 2018 को शादी करके लाया था, तो सोचा था कि हमारे दुख और सुख का साथी मिल गया। वो धूमधाम से शादी की थी, उसे क्या पता था कि एक दिन वह हमारी जान ले लेगी। करीब एक महीने पहले मायके जाते समय यह बोलकर की गई कि अगली बार आऊंगी तो तुम्हें बताऊंगी। उसके बाद काम कर लौटे पुष्कर अहमदाबाद से अपनी पत्नी रूबी को विदा कराकर घर लेकर आया, तो मामूली कहा सुनी पर पत्नी रात को सोते समय लगभग 3:30 पर अपने पति को गोली मार दी। वही घर पर सोई माँ व भाई व भाभी ने जब गोली की आवाज सुनी तो भागकर कमरे में गए, तो देखा कि छोटे भाई की पत्नी रूबी ने पुष्कर को गोली मार दी और पुष्कर को मौत की नींद सुला दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पत्नी पुलिस की हिरासत में है और पूछताछ की जा रही है। ये मेरा नाम अमरीश मिश्रा है, ग्राम हालूपुर है। ये मेरा छोटा भाई था, इसका मर्डर हुआ है, इसकी बीबी ने उसको मारा है। एक महीना पहले जब यहाँ से गई अपने मायके को, तो ये कहा था जब मैं लौट के आऊँगी तब तुमसे निपटूंगी। ये मेरे सामने बात हुई थी, तो मैंने उसको समझा दिया कि आप बहू हो, सही रहो। इतना कहकर हमने इसको विदा कर दिया। इसका भाई लेने आया था, जब दोबारा मेरा भाई वहाँ से अहमदाबाद से आया था, फिर लेने गया। हम चक्कर में नहीं पड़ते थे, इनके बहू है। जब रात को हम अपने कमरे में सोने लगे, ये अपने कमरे में सोने लगा। जब 3:30 करीब जब आवाज़ आई पटाखे, तो उठे, तो ये सब कांड जब हुआ तो हमने देखा तो असलहा उसके पास यहाँ बरामद हुआ। मेरी वाइफ ने इसको ऐसे किया तो उसके पास बरामद हुआ असलहा। तो ये बयान की कि हमने ही मारा इसको, उसकी पत्नी ने, तो हमने एफआईआर की यहाँ। ये 12 तारीख को सुबह का मामला है। ये घर में दोनों एक ही कमरे में थे, तो
इन्होंने पत्नी ने एक फायर आर्म यूज़ कर कर पति को मार दिया गया। तत्काल उनकी सिस्टर इन लॉ वहाँ पहुँची थी और उन्होंने देखा है, धुआं निकला हुआ और आवाज़ भी आया था उसके पहले, तो उनके हाथ में वो तमंचा भी था। तो सूचना पुलिस को दिया गया था, पुलिस मौके पर पहुँची है। लाश को अभी पंचायत नंबर का अवश्य पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टि से ये मर्डर पत्नी द्वारा पति के साथ किया करने का मामला निकल कर आ रही है। इसके अलावा मुकदमा लेकर विवेचना किया जा रही है। सर, पत्नी की गिरफ्तारी भी हो गई है? पत्नी को कस्टडी पे लिया गया है और पूछताछ में ले गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। कासगंज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है, जहां पर 2.5 साल से राज्य सरकार, 5 साल से केंद्र सरकार, सांसद पटियाली विधानसभा के विधायक ममतेज शाह की, लेकिन यहां पर कोई विकास नहीं कराया। कुछ नजारा और ही देखने को मिला, जो पटियाली में लग रहा है कि नदी में गंगा है या गंगा में नदी है। आपको बता दें कि इस तरीके से यहां पर सड़कों में पानी भरा हुआ है, जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन यहां के ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल में हमने अपने सांसद को देखा ही नहीं है और यहाँ के विधायक ने अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं कराया है। और ममतेज शाह का बयान है कि सड़कें तो डलवा देते हैं लेकिन सड़कें उखड़ जाती हैं, इसमें सरकार का क्या दोष है? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए गजेंद्र सिंह के साथ ध्रुव सिंह यादव की रिपोर्ट, कासगंज।